एवरीवन, मैं सरिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक मिनट। ओके, हेलो एवरीवन, मैं सरिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वन मोर फैशन हॉल वीडियो फ्रॉम मीशो। मीशो के कुछ आउटफिट मैं शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किए थे ये जो प्रीवियस मेरा वीडियो था ड्रेस का उसके साथ, लेकिन तब आए नहीं थे, बाद में आए तो मैंने दूसरे वीडियो में इंक्लूड कर लिया। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, जितने भी आउटफिट हैं वो मैंने मीडियम साइज में मंगाए हैं और हाइट मेरी 5'6" है, तो लेंथ का आपको आइडिया लग जाएगा कितनी लॉन्ग होगी जो भी ड्रेस है, आउटफिट है कितना लॉन्ग होगा, और साइज सबका मीडियम है। वेट मेरा 60 kg है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली ड्रेस है, रेड कलर की प्रिंटेड ड्रेस, बहुत प्यारी सी, अच्छी सी। अच्छा, जो मुझे रिसीव हुआ है वो है ये। तो जैसे पिक्चर में आपको शो हो रहा वैसे ही है। अब लेंथ इसकी मुझ पे कितनी नीज तक आ रही है, आप वीडियो में देख लीजिएगा, नीज तक आ रही है। लेंथ ठीक ठाक है, अच्छी, ऐसा नहीं बहुत लंबी नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं, अच्छी ड्रेस है। अच्छा, फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक इसका रेयॉन है, सी थ्रू बिल्कुल नहीं है, आप आराम से पहन सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट है पहनने में अनकम्फर्टेबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैप ड्रेस है ये, पूरा इस तरह खुला हुआ है, आप यहाँ से ये इस तरफ एक डोरी होती है और यहाँ पे एक डोरी होती है, तो वो नॉट होती है, रैप की तरह आप पहन सकते हैं। पहनने में बहुत अच्छी ड्रेस है और नेक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप है, आराम से पहन, नेक ऐसे रैप करके पहनेंगे प्रॉपर आ जाएगा। तो नेक लाइन भी इसकी अच्छी है और स्लीव्स 3/4 है। फैब्रिक सी थ्रू बिल्कुल नहीं है, आराम से आप पहन सकते हैं। और इस तरह देखिए फ्लेयर्स दिए गए हैं, पीछे की तरफ आगे की तरफ, मतलब पूरे ड्रेस में अच्छे से फ्लेयर है। ड्रेस ओवरऑल रेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। गर्मियों में पहनने में भी कंफर्टेबल है और पहन के कैसा आ रहा वीडियो में आप देख ही सकते हैं। तो मेरी तरफ से ओके ड्रेस है, अच्छी ड्रेस है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद की जो ड्रेस है वो ये वाली है, ब्लू कलर में फ्लोरल प्रिंट में, ये वाली भी ड्रेस है, मीडियम साइज में ही है। अच्छा, तो जो रिसीव हुआ है वो ये। अच्छा, फैब्रिक की बात करें तो इसका फैब्रिक रेड वाली ड्रेस से ज़्यादा बेटर है, इसका फैब्रिक रेयॉन है और बिल्कुल सी थ्रू ये भी नहीं है। नेक लाइन की बात करें तो नेक लाइन इसका ये देखें, इस तरह स्क्वायर नेक लाइन है, ये इस तरह दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका स्ट्रेचेबल है शोल्डर के पास, आप इसे ऐसे ऑफ शोल्डर पहन सकते हैं, और ये स्क्वायर नेक लाइन है इसकी। ये बलून स्लीव आई थिंक कहते हैं, हाँ बलून स्लीव्स है यहाँ तक की शॉर्ट। अच्छा, फ्लेयर की बात करें तो फ्लेयर भी इस ड्रेस का अच्छा है, ये देखिए अच्छा खासा फ्लेयर है यहाँ पे, ऐसे ये यहाँ पे पास से देखेंगे तो समझ में आएगा, ये पूरा फ्लेयर दिया गया और सी थ्रू नहीं है। कलर अच्छा है, प्रिंट भी बहुत प्यारा है, गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ड्रेस है। मुझे ऐसा लगा, साइज मैंने मीडियम मंगाया, थोड़ा सा लूज है, बट मुझे लग रहा गर्मियों में अच्छा थोड़ा सा लूज भी ड्रेस अच्छी लगती है, तो आप अच्छे इसे ट्राई कर सकते हैं, अच्छी ड्रेस है। रेड वाली से ज़्यादा बेटर, दोनों का कंपैरिजन करो तो रेड वाली से ये वाली ड्रेस ज़्यादा बेटर है, मुझे लगा ये। ओके, इसका कोड भी मैं शेयर कर दूंगी, आप डेफिनेटली इसे भी ट्राई कर सकते हैं। मीडियम साइज में है, फैब्रिक रेयॉन है और मैंने बता ही दिया, लेंथ आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी आ रही है। अच्छा, इसके बाद ना मैंने कुछ अनारकली ड्रेसेस मंगाए थे जो पहले आ गए और कुछ अभी जब आएंगे तो मैं उनका रिव्यू शेयर करूंगी। तो जो प्यारा सा अच्छा सा अनारकली जो मैंने मंगाया था वो ये है, ब्लू कलर में, कई कलर्स में अवेलेबल है। जो मैंने मंगाया था वो नेवी ब्लू में है और जो मुझे रिसीव हुआ है वो ये है। अच्छा, इसकी फैब्रिक की बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ये वेलवेट का फैब्रिक का पूरा सीक्वेंस का काम किया गया है। अब इसके नीचे की तरफ आते तो ये तो नेट का आपको वर्क दिख रहा है, सॉरी नेट का पूरा फैब्रिक दिख रहा है। अब इसमें लाइनिंग तो दी गई है बढ़िया सी, लेकिन ये अगर आप सोचे कि एज अ ड्रेस पहन ले तो एज अ ड्रेस नहीं पहन सकते, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है वो भी काफी पतली है। ड्रेस तो बड़ी प्यारी है, सुंदर सी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इसकी जो नीचे की लाइनिंग है ना वो थोड़ी पतली है। मतलब ये लाइनिंग है, उसके ऊपर ये नेट का फैब्रिक है, फिर भी अगर आप नीचे कुछ नहीं पहनते तो पूरा सी थ्रू है, लेकिन अगर नीचे अच्छा सा पहन ले ना तो हल्का हल्का दिखेगा, तो वो अच्छा लगेगा, स्मार्ट लगेगा। तो इसके एडवांटेज भी हैं, लेकिन अगर एज अ गाउन आप पहनेंगे तो नहीं पहन सकते, आपको नीचे कुछ डेफिनेटली पहनना पड़ेगा और वो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है। मैंने ब्लैक कलर का प्लाजो पहना है, मेरे पास पहले से था, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था, जस्ट वाओ का प्लाजो था, तो उसके साथ मैंने पहना है और अच्छा लग रहा है। लेकिन आप वही है कि एज अ गाउन नहीं पहन सकते, इसे एज अ
आप अनारकली पहनिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एज अ गाउन पहनने की कोशिश करेंगे आप सोचेंगे कि एज अ गाउन हम पहन ले तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सी थ्रू है, थोड़ा नीचे का पोर्शन सी थ्रू है, दो लाइनिंग के बावजूद भी ये सी थ्रू है, इसे तो एज अ अनारकली ही आप स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर एज अ ड्रेस नहीं पहनना चाहते अनारकली पहनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, कोड मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, इसके बाद का जो है वो ये ब्यूटीफुल सा अनारकली ये भी है। अब इसकी बात करें तो ये मुझे रिसीव हुआ है, फैब्रिक इसका है रियॉन साइज, मैंने मीडियम में मंगाया था, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही है, ऑलमोस्ट क्योंकि एग्जैक्ट वैसा नहीं बट ऑलमोस्ट वैसा ही है। प्रिंट आपको पूरा मिलेगा जैसे उसमें है, राउंड नेक है, 3/4 स्लीव्स है, ये वेस्ट पे प्लेट्स दी गई है, लेकिन उसमें जितना फ्लेयर है उतना फ्लेयर नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट सेम है बट एग्जैक्ट फ्लेयर वैसा नहीं है, बट ओके है इसे। और ये ना इसका फैब्रिक ज़्यादा बेटर है, मुझे लग रहा है बिल्कुल सी थ्रू नहीं, इसे एज अ ड्रेस भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि सी थ्रू नहीं है, जो भी ड्रेस अनारकली है जो भी ऐसा होता है ना जो सी थ्रू नहीं होता उसे एज अ ड्रेस भी आप पहन सकते हैं, तो ये बिल्कुल सी थ्रू नहीं है। फैब्रिक इसका अच्छा है, गर्मियों के लिए सॉफ्ट है, नेकलाइन मैंने बता दिया, साइज मीडियम है और रेट मेंशन है। तो इन सभी ड्रेसेस का आउटफिट का कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर इन सब में से बात करें तो मुझे ब्लू वाला जो अनारकली है वो काफ़ी अच्छा लगा, ये वाला नेट वाला, ये बस ऐसे आप अनारकली की तरह स्टाइल करें बड़ा सुंदर लगेगा, ये काफ़ी अच्छा लगा। और ब्लू वाली ड्रेस भी अच्छी लगी, रेड वाली भी अच्छी लगी मुझे, लेकिन अगर कंपैरिजन करें रेड वाले और ब्लू वाले में तो ब्लू वाला ज़्यादा बेटर है, लेकिन दोनों ड्रेस मुझे अच्छी लगी गर्मियों में, आप दोनों स्टाइल कर सकते हैं। मंगाएंगे ना तो किसी में भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि बहुत ख़राब ड्रेस है, अच्छी ड्रेस है, वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको खरीदना है तो कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कहें। बाय।